और सुन लो, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजी सर भी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए निहाल हाशमी की कोई भी मुआफी या वजाहती बयान मानने से इनकार कर दिया। तीन रुकनी बेंच ने निहाल हाशमी को एक माह कैद और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया और यूं तौहीनी अदालत का ये केस खत्म हुआ। अदालत ने कहा कि दानियाल अजीज ने 8 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज ने नैब लाहौर को तलब करके तैयार किया। 15 दिसंबर को दानियाल अजीज ने कहा कि जहांगीर तरीन को सजा देकर इमरान खान को बचाना मकसूद था। अदालत ने बताया कि दानियाल अजीज ने यह भी कहा कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक किया गया। 31 दिसंबर को दानियाल अजीज ने अपने एक जोशीले बयान में कहा कि जस्टिस एजाजुल अहसन को बताना होगा कि कैपिटल FZE की बात इन तक कहाँ से पहुँची। अगली कहानी दानियाल अजीज की है, जिन्होंने लफ्जी तौर पर अदलिया पर तनकीद की, कहा कि यह फैसला स्क्रिप्टेड था, यानी फैसला इनको लिखा हुआ मिला और इन्होंने महज पढ़कर सुना दिया। फिर वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया। दानियाल अजीज ने तहरीरी तौर पर भी मुआफ़ियाँ मांगी, लेकिन अदालत ने मुआफ़ी ना मानी और दानियाल अजीज को नाअहल कर दिया। इस्लामाबाद IG तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, जेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। तो कप्तान तनकीद की आड़ में बहुत कुछ कह गए। एक खातून जज का नाम लेकर कहा कि हम एक्शन लेंगे। अब इस एक लफ्ज को किसी अंदाज से भी लिया जा सकता है। आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, दोनों के केसेस में तौहीनी अदालत हुई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया, मुआफी नामा मानने से इनकार कर दिया गया और 5 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया। यही कुछ इमरान खान के साथ भी हुआ। तौहीने अदालत हो गई, अज खुद नोटिस ले लिया गया, मुआफी मांगने की मोहलत भी दे दी गई। फिर भी जब मुआफी मांगी तो कबूल ना हुई और फिर जो होगा वो 22 सितंबर को मालूम होगा। लेकिन मेरी जाती राय, मालूमात के मुताबिक इमरान खान पर 5 साल की नाअहली पक्की है। आपकी इस मुतल्लिक जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल न्यूज हाइप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि तमाम तर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।